ओम साई राम। अच्छे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। दीदी मुझसे पूछे कि ना कि मुझे नींद आई कि नहीं। अब क्या लगता है, मतलब मुझे नींद नहीं आएगी? मुझे छोटे बच्चे हैं, पता अभी भी मेरे आईब्रोज में दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे पार्लर वाले के पास कभी मत जाना जो ऐसे नोच देते हैं बाल। वैसे मैं अभी सुबह सुबह पी रही हूँ चाय। आज मुझे मेरे हाथ की चाय नसीब हुई है। वेल, मेरे हाथ की चाय काफ़ी अच्छी बनती है ना, इसीलिए अभी से जितने भी दिन रहेंगे अकेले उतने दिन हम अपने हाथ की चाय पियेंगे। सुबह सुबह उठे, बाबा को मतलब बाबा का मंदिर खोल दिए, कानों को बाहर कर दिए, तो अभी हम फ्रेश नहीं हुए हैं क्योंकि ठंडी है यार। मतलब फ्रेश ऐसे हो गए हैं कि मुंह धो लिया है अच्छे से, मगर अभी तक नहाए धोए नहीं है क्योंकि ठंडा लग रहा है। बट नहाना तो पड़ेगा क्योंकि पूजा करना है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो मैं आपको मिलती हूँ नाश्ते के टाइम पे। नाश्ते के टाइम पे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और मैंने ये बनाया है, मैं दिखाती हूँ। ये है पनीर कैप्सिकम रोल। एक का रोल ही नहीं बन रहा, ऑल दो मैं इतने अच्छे कुक नहीं है, बट अच्छा बना है। क्या लगता है आप लोग को कैसा बनाया? वैसे हाँ, दीदी और मम्मी दोनों लोग पहुंच चुकी हैं, मतलब पहुंची नहीं है, अभी स्टेशन पे पहुंची हैं। घर पहुंचने में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे दीदी के। तब तक वेट करते हैं, काम करते हैं। वेट क्या करना है, काम करना है ना, तो ढेर सारा झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, नहाना है, बर्तन भी धोना है और फिर पूजा भी करनी है। ऑल दो हम सोच रहे हैं कि मम्मी से जल्दी कर लेंगे, आपको क्या लगता है? हम कर लेंगे मम्मी से जल्दी, तो चलिए शुरू करते हैं काम करना। आपसे अब इतना व्लॉग नहीं कर पाएंगे यार, कोई है नहीं घर में, दिखाएगा कौन? हाँ ये सोचो, अकेले हैं घर में तो जितना पॉसिबल होगा उतना हम दिखा पाएंगे आपको। ओके, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बाय। सो गाइस, अभी बज रहे दिन के 1:30 और मैंने सुबह से सबसे पहले अपना वही ब्रेकफास्ट किया था, आप लोग को दिखाया था। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं काम करने के बाद मिलूंगी, तो मैंने बर्तन नहीं, सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर बर्तन धोए और उसके बाद बर्तन भी ढेर सारे थे, झाड़ू लगा लगा के मेरी कमर टूट गई। गाइस प्लीज़, आप लोग के घर में जो भी कोई काम करता है ना, उसकी कदर क्या करो यार, नहीं तो एक दिन मेरे ही जैसा हाल होगा, समझे? घर में जब मम्मी और बहन नहीं रहेगी, सब खुद पे करना होगा, तब समझ में आएगा जैसे मेरे साथ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा था, बस ओके मैंने कर लिया। बर्तन धोने के बाद फिर क्या किया मैंने? हाँ, बर्तन धोने के बाद हम नहाए नहीं, पहले कान्हा को नहलाएं, फिर हम नहाएं, फिर बाबा की पूजा किए। पूजा में पता है क्या हुआ, आज थर्सडे है और थर्सडे बाबा का दिन होता है, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हर बार उनको अच्छे से नहलाती है, चंदन लगाती है और बहुत ढेर सारी चीज़ें करती है, पूरा मंदिर बदल देती है, मतलब मंदिर के कपड़े बदल देती है, मंदिर नहीं बदलती। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने सिर्फ पूजा की, भोग लगाया, दैट्स इट। और उसके बाद फिर मैंने लंच किया एंड अभी मैं जा रही हूँ आराम करने थोड़ी देर, मेरी कमर की हालत ख़राब हो गई है, बहुत थक गए हैं सच में, लेकिन बहुत अकेला फील हो रहा है, यू नो
जब आपको घर में चहल पहल सुनने की आदत होती है ना, तो कोई नहीं रहता तो नहीं लगता अच्छा। मेरे तो घर में हमेशा मुझे चहल पहल की आदत है कि अभी इस कमरे से कोई निकलेगा तो भी उस कमरे से कोई निकलेगा। अभी कोई नहीं निकलेगा, काना और बाबा बस। ऐसे मम्मी दीदी पहुंच गए और वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी उन लोगों से। दे आर रियली हैप्पी, सरप्राइज मिला वहाँ पे सबको। सो चलो अब आप लोग दूसरे में मिलती हूँ बाद में, शाम को मिलते हैं। मैं जा रही हूँ आराम करने, बाय। हाय फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग टाइम और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं उबाल रही हूँ भी आलू है। सीटी बजाया कि मुझे परेशान कर रहा है। आई एम सो मच हैप्पी। अब इतना हैप्पी होने का एक रीज़न है, वो रीज़न है कि हम जा रहे हैं आज टमाटर चाट बनाने। दीदी ने बनाया था बट मुझे नहीं पता कैसे बनता है, बट आज हम ट्राई करेंगे। तो बनाए टमाटर चाट, लेट्स स्टार्ट। पहले आलू तो उबल गया होगा, चलिए बनाते हैं। मैंने ये कानू जी को बाहर रख दिया है, यहाँ पे डॉगी है वहाँ पे। ये रहे मेरे कानू जी बाहर, और अभी मंदिर नहीं खोला है, अभी मंदिर खोलेंगे। ओह शिट, इस डॉगी को कौन छोड़ गया, इसके गले में बेल्ट लगी हुई है। गाइस मैंने सुना है कि लोग अपने पेट्स को ऐसे अबेंडन कर देते हैं, प्लीज़ यार अगर कोई करता है तो मत किया करो, इट्स टोटली बैड। हाँ अपने पेट्स का हमेशा ख्याल रखा करो, ऐसे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। मम्मी जाला था, मैंने बोला है ना मैं ऐसी हूँ, छोटी छोटी चीज़ में मुझे डर लगता है। अभी क्या हुआ है ना कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि अभी मेरे कमर का बैंड बजा हुआ है बहुत ज़्यादा, मैंने सफाई कर दिया, पूरी सफाई कर दी। बट एक मिनट, आज सफाई की तो इसका मतलब ये कि अब 2 दिन तक घर में सफाई नहीं होगी। और मम्मी वही गोभी की सब्ज़ी बना के गई है, 2 दिन तक लग रहा है वही खाना पड़ेगा। मगर नहीं, हम क्यों खाएं सब्ज़ी, हम नहीं खाएंगे सब्ज़ी, हम सब्ज़ी रख देंगे, हम वही खाएंगे जो हमारा मन है। तो मैं अभी जा रही हूँ टमाटर चाट बनाने। आलू की सीटियाँ बच चुकी हैं, स्टीम बचा है, स्टीम ख़त्म होगा, आलू निकाल के छीलेंगे, फिर हम टमाटर चाट बनाएंगे। आप लोग को शायद ही दिखा पाए हम, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, कोई कैमरा पकड़ने के लिए है नहीं। अब हम एक हाथ से कैमरा पकड़ेंगे, एक हाथ से बनाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ डाल ट्राई, नहीं तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये बन चुका है चाट, अब मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ इस चाट को खाने। मैं दिखाती हूँ चाट कैसा बना है। हेयर इज़ द चाट। एक्चुअली क्या है ना, मैंने चाट पहले ही खा लिया है, बट ये बाबा को चढ़ाया हुआ प्रसाद है। मैंने चाट पहले इसलिए खाया क्योंकि पता है चाट इतना गरम गरम था ना, और हम इतना मन से बनाए थे कि हम तुरंत खा लिए, और मेरे को खाने के बाद याद आया अरे मैंने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं कुछ भी। ओके गाइस, तो अभी मैं चाट खाते खाते मम्मी से बात करूँगी, हाँ क्योंकि उनको भी वीडियो कॉल पे बात करनी है मेरे से। तो आपको मिलती हूँ ओके डिनर के टाइम पे, देखते हैं डिनर में क्या खाएंगे। हाय फ्रेंड्स, सो अभी बज रहे रात के 9:15, हाँ 9:15 हो रहा है। एंड अभी ने मुझे कुछ अजीब सी आर्ट सुनाई थी, पता नहीं कुछ पट से बोला, क्या था ये दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है, पता नहीं पट से बोला क्या था,
अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने डिनर क्या की, क्या करने जा रही हूँ। मैंने आज ना एक एक्सपेरिमेंट किया है, नूडल्स को अलग से बेक करके सूप में डाला है, दिखाती हूँ। सो जी ये है कुछ मेरा डिनर, नूडल्स, सूप। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, तो अब मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह, ठीक है? क्योंकि खाने के बाद मैंने सब सफाई साफ सफाई कर दी है, तो खाने के बाद मैं डायरेक्ट सो जाऊंगी। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।